अगर आपने अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाया बट आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड नहीं चल रहा है, फाइल मैनेजर में मेमोरी कार्ड शो नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड चला सकते हैं, कैसे फाइल मैनेजर में मेमोरी कार्ड शो कर सकती है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपको अबाउट फोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल में अबाउट फोन की सेटिंग में स्टोरेज की सेटिंग नहीं मिलती है तब आप यहाँ पे स्टोरेज की सेटिंग सर्च भी कर सकती है। ओपन कीजिए। अब आप यहाँ पे स्क्रोल डाउन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे माउंट एसडी कार्ड पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे माउंट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पर आपका मेमोरी का स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके मेमोरी कार्ड में कितनी स्टोरेज अवेलेबल है, कितनी स्टोरेज फुल हो चुकी है, वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर ये स्टेटस आ जाए तो आप समझ जाइए कि मेरे मोबाइल के साथ एसडी कार्ड चल चुका है। अब आप यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन करके देखिए, आपके मोबाइल के साथ एसडी कार्ड चल चुका होगा। देख सकते हैं यहाँ पे एसडी कार्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो एसडी कार्ड का अगर आपको डाटा देखना तो आपको इस सिंबल पर क्लिक करना है। यहाँ पे एसडी कार्ड पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने एसडी कार्ड के सभी फोल्डर यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने मोबाइल में एसडी कार्ड को चला सकते हैं।